तो देख सकते हो दोस्तों अभी इधर स्विच में एक बार ऑफ करेंगे स्विच को, तो और एक बार ऑन करेंगे तो अभी देख सकते हो मूड चेंज हो गया, ये दूसरा मूड है। ठीक है, अभी स्विच को ऑफ करेंगे और एक बार जलाएंगे तो देख सकते हो अभी ये तीसरा मूड है। तो ऐसा करके दोस्तों मूड चेंज होगा हमारा। ठीक है, एक बार ऑफ करेंगे एक बार ऑन करेंगे। तो हेलो मेरे दोस्तों, ये देख सकते हो पल्सर 150। तो इस गाड़ी में मैं फ्लासर KTM जो फ्लासर होता है ये फ्लासर इंस्टॉल करने के, और इसको कैसे करते हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को फ्लासर थोड़ा दिखा देता हूं क्या डिज़ाइन है। इसमें बहुत मूड होता है, ऐसा आता है। ठीक है, इसमें चार तार दिया गया है, एक ब्लैक, एक रेड और दो येलो। ठीक है, तो अभी इसको मैं फिटिंग करेंगे इस गाड़ी में। और इधर एक स्विच का आप लोगों को ज़रूरत है इसको लगाने के लिए, ये देख सकते हो ऑन ऑफ ऐसा एक स्विच का ज़रूरत है। तो स्विच को मैं पहले ही फिटिंग करके रखा। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों इसमें दो वायर रहते हैं, तो मैं इधर वायर को थोड़ा छिल के रखा। ठीक है, ये स्विच का वायर है, तो मैं इसको अभी कनेक्शन करेंगे और कैसे करते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों इस गाड़ी का जो टैंक है और टैंक को हमको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से हमको लाइन लाना पड़ेगा। ठीक है, इधर हम लोग इसका जो लाइन करेंगे, इधर पीछे जो इंडिकेटर का जो लाइन है इसमें से करेंगे इन दो वायर में। तो इसको कैसे करते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा दोस्तों आप लोग देख सकते हो इग्निशन स्विच का लाइन है, तो इस कैपर को पहले हम लोग खोल लेंगे। ये देख सकते हो दोस्तों कैपर को हमने खोल लिया। तो अब इसमें दो वायर दिया गया है, ये जो इधर जो ब्राउन कलर का जो वायर है ये बैटरी का लाइन आता है इसमें। ठीक है, तो इसको इसके साथ हम लाइन करेंगे, इसके साथ हम कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए स्विच का जो एक पॉइंट है, स्विच का जो ग्रीन वाला जो पॉइंट है, इसको हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। ये देख सकते हो, देख सकते हो इसके अंदर हमने डाल दिया। अब इसको इस कैपर को हम फिटिंग कर लेंगे इसमें। देख सकते हो इस कैपर को फिटिंग हो गया, तब इसमें लाइन आ गया। ठीक है, ये देखो चेकिंग करने के लिए हमको ऐसा एक इंडिकेटर का ज़रूरत है। इसमें दो वायर है, ठीक है, एक पॉजिटिव ग्रीन वाला पॉजिटिव है और ये ब्लैक वाला नेगेटिव है, देख सकते हो। तो इसके ज़रिए हम लोग चेक करेंगे कि लाइट हमारा सही है क्या। तो अभी देख सकते हो दोस्तों एक हरा कलर का जो वायर है स्विच का जो हरा कलर का वायर है इग्निशन स्विच में एक दे दिया, ये जो ब्राउन कलर का वायर में इसमें। ठीक है, ये देख सकते हो ये ब्राउन कलर का वायर में ये हरा कलर का स्विच का प्लस का लाइन पॉजिटिव का लाइन इसके अंदर जाएगा इग्निशन स्विच के अंदर। ठीक है, अभी स्विच का जो दूसरा जो लाइन है ब्लैक कलर का, उसके साथ हम इसका जो पॉजिटिव लाइन है, इसका जो पॉजिटिव लाइन है उसके साथ इसको अटैच कर देंगे। तो अभी देख सकते हो इधर का तो लाइन हमारा प्रोसेस चालू है। ठीक है, अभी इसका जो माइनस का जो लाइन है, नेगेटिव का जो लाइन है, ये नेगेटिव का लाइन हम लोग इधर बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, इसको पकड़ के रखेंगे हम लोग। ठीक है, और अभी इग्निशन को ऑन करेंगे। देख सकते हो इग्निशन हमने ऑन कर दिया। अभी इधर जो स्विच है, अगर स्विच को हम लोग दबाएंगे तो इधर लाइट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी स्विच को जब ऑफ करेंगे तब लाइट ऑफ हो जाएगा। अगर स्विच अगर चालू रहेगा तो हमने जो इग्निशन के साथ जो लाइन किया था, अगर इग्निशन ऑफ कर देंगे तो लाइट भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इग्निशन ऑन करेंगे तो लाइट ऑन होए, अभी स्विच ऑफ करेंगे तो लाइट ऑफ। तो ऐसा ही हमारा प्रोसेस चालू है। तो हमारा लाइन एकदम सही किया है हमने, तो इसके लिए इसको अभी ज़रूरत नहीं, इसको थोड़ा खोल लेंगे तो लाइन हमारा चेकिंग कम हो गया। तो अभी इसमें हमारा जो फ्लासर का जो लाइन है इसमें करेंगे। इसे कैसे करता है मैं प्रोसेस पूरा आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों इधर जो फ्लासर है, फ्लासर को हम इधर भाईजर के अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि इसको ऐसा गाड़ी का इधर पीछे से करेंगे लाइन। तो इसके लिए इसमें तो छोटा छोटा वायर दिया गया है, तो हमारे पास अभी थोड़ा एक्स्ट्रा वायर बचा है, तो ऐसा एक एक्स्ट्रा लेना है और इसके साथ कनेक्शन करना है, ऐसा कनेक्शन कर देना है इसको। ठीक है, अब इसको थोड़ा टेपिंग कर देंगे, देख सकते हो इसको टेपिंग कर दिया हमने। ठीक है, अंदर से टूट ना जाए या शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसके लिए इसको भी थोड़ा टेपिंग कर देंगे। तो इसको भी थोड़ा टेपिंग कर दिया। अभी इसके साथ जो लाइन अटैच किया था हमने इसके अंदर से डाल देंगे, देख सकते हो, और इसको इस कैपलर को अंदर डाल देंगे। देख सकते हो लाइन को हमने डाल दिया अंदर। तो अभी इसको
इधर से लेके पूरा एकदम पीछे तक ले जाएंगे जितना तक हो सके। जैसे कि मेरे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, इसमें जो येलो कलर का जो वायर है, इस येलो कलर को वायर को हम लोग थोड़ा सा इधर से ऊपर छील लेंगे। देख सकते दूसरा जो वायर है इसको भी थोड़ा छील लेंगे। देख सकते हो इसको भी थोड़ा छील लिया, इसको भी थोड़ा छील लिया, दोनों येलो वायर हमारा छिला हुआ है। तो अभी देख सकते हो दोस्तों इधर जो ग्रे कलर का जो वायर है ये पॉजिटिव है, तो अभी दोनों पॉजिटिव में हम एक एक वायर डाल देंगे अंदर। तो इसको कैपर को पहले खोल लेंगे, देख सकते हो खोल गया। तो अभी पॉजिटिव इधर है, इस साइड है। ये देख सकते हो अंदर डाल दिया इसके इसके साथ। अब इधर जो कैपलर है इस कैपलर को इसमें फिटिंग कर देंगे, ठीक है। तो इसका लाइन हो गया हमारा। अभी दूसरा जो वायर है येलो कलर का, दूसरा जो वायर है दूसरा वायर को हम इधर ग्रीन वाला जो जैक है इसको खोलेंगे, लेफ्ट साइड इंडिकेटर का। ये देख सकते हो अभी ग्रीन वाला में जो लाइन है ये पॉजिटिव है, इसके अंदर इसको डालना है। ये देख सकते हो ग्रीन वाला में डाल दिया, तभी इस कपलर को लगा देंगे इसके अंदर। तो देख सकते हो दोनों लाइन हमारा हो गया कनेक्शन। अभी इसमें दोस्तों फ्लैशर में दो वायर और दिया गया है, इधर एक रेड कलर का है और एक ब्लैक कलर का है। तो रेड कलर का वायर जो है, अभी रेड कलर का वायर के साथ जो इग्निशन स्विच से जो लाइन आया था हमारा, जो स्विच में जो लाइन आया था स्विच का लाइन, उसके साथ इसको अटैच कर देंगे। इसके साथ इसको अटैच कर देंगे। ठीक है। और जो ब्लैक कलर का जो वायर है देख सकते हो, इसके अंदर इसको ऐसा डालना है। देख सकते हो दोस्तों ब्लैक कलर का वायर इसके अंदर डाल के इस नट को थोड़ा टाइट कर लेना है। तो अभी देख सकते हो हमारा लाइन इधर कंप्लीट है। तो देख सकते हो दोस्तों फ्लैशर को हमने इंस्टॉल कर दिया गाड़ी में, तो अभी इसको बाद में गाड़ी को फिटिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले लाइन को हमको चेक करना है। तो चेक करने के लिए इधर इग्निशन ऑन करना है, ऑन कर दिया हमने। तो अभी सब में लाइन आ गया। अभी ऑन करने के बाद इधर स्विच आप देंगे, तब देख सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों अभी इधर स्विच में एक बार ऑफ करेंगे स्विच को, तो और एक बार ऑन करेंगे तो अभी देख सकते हो मूड चेंज हो गया, ये दूसरा मूड है, ठीक है। अभी स्विच को ऑफ करेंगे और एक बार जलाएंगे तो देख सकते हो अभी ये तीसरा मूड है। तो ऐसा करके दोस्तों मूड चेंज होगा हमारा, ठीक है। एक बार ऑफ करेंगे एक बार ऑन करेंगे, तो जैसे कि मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख सकते हो दोस्तों इधर। तो एक बार ऑफ करेंगे तो दूसरा बार देंगे तो दूसरा मूड चालू होगा। अभी अभी देख सकते हो मूड को आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा। तो मेरे दोस्तों अभी मूड को चला चेंज कर लेंगे, ठीक है। अभी दूसरा मूड देंगे, देख सकते हो इसमें बहुत सारा मूड है। तो जैसे कि मेरे दोस्तों आप लोग मूड को देख सकते हो कि ऐसा मूड काम करता है। तो अभी जिस मूड आपको पसंद है उसी मूड में आप लोग गाड़ी को चला सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि लाइन कैसा करना है, देख सकते हो एक नंबर हो गया। तो इसमें बहुत सारा मूड है।